हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनायक कुकिंग एंड क्राफ्ट। तो गाइज़ आज मैं आपके साथ बिहार की बहुत ही स्पेशल डिश शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिहार की फेमस और ट्रेडिशनल डिश चावल के मीठे पीठे। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो आइए बिहारी स्टाइल में चावल के मीठे पीठे बना लेते हैं। वीडियो को फुल वॉच करिए, वीडियो जैसी भी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये पीठे बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, रेसिपी को शुरू करते हैं। आप इस पीठे को बाहर रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप इसे फ्रिज में रख देंगे तो फ्रिज में ये हार्ड हो जाता है। तो इसलिए आप इसे बाहर ही रखिए। आप इसे गर्मा गर्म भी खा सकते हैं, हल्का सा ठंडा होने पे भी खा सकते हैं, और आप चाहें तो इसे फ्रिज में रख के भी खा सकते हैं, बट ये कड़ा हो जाता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आप अगर इस तरीके से पीठा बना रहे हैं और बाहर रखें बिना फ्रिज के, तो आप इसे गर्मियों में 12 घंटे तक ईजिली खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। और अगर ठंड का मौसम है तो आप पूरे 24 घंटे तक इसे बाहर रख के खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता। चावल का मीठा पीठा बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट चाहिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध ले लिया, दूध को मैंने गर्म किया है और मलाई इस पे पड़ चुकी है, तो ये दूध आपको ले लेना है। इसके अलावा मैंने 1/2 कप यहाँ पे चावल का आटा लिया है, यानी पीसा हुआ चावल आपको यहाँ पे 1/2 कप ले लेना है। और यहाँ पे आपको मावा ले लेना है, या फिर आपके पास खोए की कोई मिठाई हो, जैसे बर्फ़ी हो, पेड़ा हो, तो उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पेड़ा ले लिया है, तो पेड़ा में ऑलरेडी मीठा होता है, और ये मीठा वाला पेड़ा है, जैसा बिल्कुल मथुरा का पेड़ा होता है ना, वही पेड़ा है मेरे पास, तो ये काफ़ी मीठा है, इसलिए मैंने यहाँ पे शक्कर नहीं लिया है। अगर आप मावा ले रहे हैं या कम मीठी बर्फ़ी या पेड़ा ले रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी पीसी हुई चीनी भी लेनी होगी मावे में मिक्स करने के लिए। तो किसी बर्तन में आपको 1/2 कप पानी ले लेना है और इस पानी को गर्म करना है। तो देखिए गैस पे मैंने ये पानी रख दिया, पानी जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हम जो चावल का आटा लिए हैं इस पानी में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो जब तक पानी गर्म हो रहा है, ये जो मावा है हमारे पास, यानी कि ये जो पेड़ा है ना, इसे हम अच्छे से तोड़ लेंगे। अगर आप यहाँ पे कच्चा मावा लिए हैं तो उसे हल्का सा भूनना होगा आपको, और जब वो ठंडा हो जाए तब उसमें पीसी हुई शक्कर मिलाना है। इलायची पाउडर डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, और ड्राई फ्रूट्स अगर आप डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं लिया है, सिर्फ इलायची का पाउडर है और मीठा है और ये मावा है। तो सभी को अच्छे से बिल्कुल आपको क्रश कर लेना है, तोड़ लेना है, ताकि स्टफिंग करने में आपको आसानी हो जाए। तो इसे अच्छे से आप तोड़ लीजिए। तो देखिए पानी में उबाल आने लगा है, गैस को ऑफ करेंगे और ये जो चावल का आटा है ना, इसमें ऐड करेंगे। गैस को मैंने ऑफ कर लिया है, और पानी में इस चावल के आटे को अच्छे से आपको मिला लेना है, बिल्कुल अच्छे से। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, और फिर इसे बिल्कुल डो की तरह हम अच्छे से मसल मसल के तैयार करेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट डो बनाएंगे। तो इसे रख दीजिए थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। तो देखिए अब मैंने गैस पे दूध को रख दिया है, दूध को अच्छे से आपको उबालना है। जब उबाल आने लगेगा ना, फिर हम इस डो से पीठा तैयार करेंगे और इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए ये डो बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो अब आपको इसे अच्छे से मसलना होगा ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो इसके लिए आप हाथों में हल्का चिकनाई के लिए घी लगा सकते हैं, और इसे आपको अच्छे से मसल मसल के बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो इसे हमें तब तक मसलना है जब तक ये बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए, बर्तन को छोड़ ना दे, और हाथों से भी ये आराम से सारा हट जाए, बिल्कुल एक जगह पे ये डो इकट्ठा हो जाए, तब तक हमें इसे मसलना होगा। जिस तरीके से आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से इसे आपको सॉफ्ट करना है। बीच बीच में आप थोड़ा बहुत घी लगा सकते हैं हाथों में। तो देखिए बिल्कुल सॉफ्ट डो हमारा तैयार हो चुका है, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सॉफ्ट, हाथों से भी अच्छे से छूट चुका है, और ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है। तो अब इससे हमें छोटी छोटी पहले तो गोलियां बनानी होंगी, बिल्कुल नींबू के साइज़ के बॉल आपको बनाने होंगे, जो छोटे साइज़ वाला नींबू आता है ना, बिल्कुल उसी साइज़ का आपको इसे पहले तो बॉल बनाना है। और एक जगह पे इस तरीके से ये देखिए ऐसे बना लिया बॉल बिल्कुल चिकना। अब बीच में आपको इस तरीके से कटोरी का शेप देना है, आराम से करना है आपको हल्के हाथों से। ये देखिए इस तरीके से जब इसमें कटोरी बन जाए, फिर ये जो मावा हमने रखा था ना, इसे आपको बीच में डालना है, उतना ही डालिए जितने में ये अच्छे से कवर हो जाए, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करना है आपको मावा इसमें। और ये देखिए
इसे आपको बिल्कुल अच्छे से, ये देखिए अंदर भरने के बाद मावा इसको ऊपर से बिल्कुल सॉफ्ट कर देना है। ये देखिए आप चाहें तो हल्का फुल्का घी का इस्तेमाल कर सकते हैं चिकनाई के लिए। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल ये दरारें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ऊपर से सॉफ्ट होना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये जो पीठा है ना तैयार हो जाएगा। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए इस तरीके का। अब इसे हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो बस इसी तरीके से आपको अपना सारा पीठा रेडी करना है। ये देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ स्टफिंग आपको डालनी है मावे की। आप चाहें तो स्टफिंग में बारीक बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, और चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप ऊपर से भी इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं, मतलब सर्व करते समय। तो मैं भी ऐसा ही करने वाली हूँ, इसलिए मैंने अंदर स्टफिंग में ना ड्राई फ्रूट्स नहीं डाला है, क्योंकि कई बार ड्राई फ्रूट्स की वजह से ये पीठा फट भी जाते हैं अगर अच्छे से ड्राई फ्रूट्स अंदर सेट नहीं हुए और दरारें आ गई, तो कई बार ये पीठा फट जाते हैं। तो फटना नहीं चाहिए आपका पीठा। तो देखिए इस तरीके से आपको बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट अच्छे से बॉल्स बना लेने हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि दूध उबलने लगा है, तो इसमें तैयार किया हुआ पीठा ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक साथ ज़्यादा पीठा नहीं डाल रही हूँ, यहाँ पे मैंने 5 पीठा डाला है। अब जब ये 5 पीठा जब पक के और ऊपर आके तैरने लगे, तब समझो कि ये पक चुके हैं। तो हम इन्हें बाहर निकालेंगे, उसके बाद मैं बाकी पीठा डालूँगी इकट्ठे। आप बहुत ज़्यादा पीठा दूध के अंदर मत डालिए, थोड़ा थोड़ा करके आपको डालना है, और मीडियम फ्लेम पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे पकने देना है। फ्लेम बहुत हाई नहीं करना है आपको। तो देखिए पीठा में उबाल आ रहा है, लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं इसे पका रही हूँ। तो आपको मीडियम फ्लेम पे ही, मतलब लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, बहुत हाई फ्लेम नहीं करना है। और 8 से 10 मिनट तक पकने के बाद ये जो पीठा है ना आपका तैयार हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। देखिए ये धीरे धीरे ऊपर आने लगा है। तो देखिए ये पीठा बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, अब ऊपर की तरफ आ गया है। तो इसे हम निकाल लेंगे और बाकी का जो हमारे पास पीठा है उसे भी इसमें ऐड कर देंगे, और उसे भी इसी तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे 8 से 10 मिनट के लिए। अब बाकी का भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए दूसरे बार का भी पीठा हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है, ऊपर भी आ गया है, और आप देखिए बिल्कुल कहीं से भी ये फट नहीं रहा है। तो बिल्कुल इसी तरीके का पीठा आपको तैयार करना है। तो इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने पूरा पीठा निकाल दिया है। अब ये जो बचा हुआ मावा है ना, इसे आप इस दूध में डाल दीजिए, फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए। मावा डालने से क्या होगा, आपका ये जो दूध है इसमें भी मिठास आ जाएगी, गाढ़ापन आ जाएगा और बहुत ही स्वादिष्ट होगा। तो इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए ये दूध हमारा पक चुका है, मावा अच्छे से मिक्स हो गया, ये गाढ़ा भी हो गया। तो अब हम गैस को ऑफ करेंगे। तो देखिए इसे सर्व करना है जब आपको, तो आप ऊपर से ये दूध डाल दीजिए जो गाढ़ा किया हुआ दूध है, और इसके साथ सर्व करिए तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बादाम का कतरन डाल रही हूँ, आप काजू, पिस्ता, चिरौंजी जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये बिहार का ट्रेडिशनल डिश है जो कि बिहार में बहुत बनता है और बहुत ही ये टेस्टी लगता है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आप जल्दी ही ट्राई करेंगे और अपना अनुभव भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।